Renowned Assamese daily Dainik Agradoot is celebrating its golden jubilee. And to mark the occasion, an event was organized at the Srimanta Shankardev Kalakshetra in Guwahati. The main attraction of the event was Prime Minister Narendra Modi attending via video conference. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma also attended the event. Speaking at the event, Prime Minister Modi talked about the achievements of Dainik Agradoot newspaper over the course of the last 50 years. असमिया भाषा में नॉर्थ ईस्ट की सशक्त आवाज दैनिक अग्रदूत से जुड़े सभी साथियों, पत्रकारों, कर्मचारियों और पाठकों को 50 वर्ष 5 दशक की इस स्वर्णिम यात्रा के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आने वाले समय में अग्रदूत नई ऊंचाइयों को छुए भाई प्रांजल और युवा टीम को मैं इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं। इस समारोह के लिए श्रीमंत शंकरदेव का कलाक्षेत्र का चुनाव भी अपने आप में अद्भुत संयोग है। श्रीमंत शंकर देव जी ने असमिया काव्य और रचनाओं के माध्यम से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को सशक्त किया था। उन्हीं मूल्यों को दैनिक अग्रदूत ने भी अपनी पत्रकारिता से समृद्ध किया है। देश में सद्भाव की, एकता की अलग को जलाए रखने में आपके अखबार ने पत्रकारिता के माध्यम से बड़ी भूमिका निभाई है। डेका जी के मार्गदर्शन में दैनिक अग्रदूत ने सदैव राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। इमरजेंसी के दौरान भी जब लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला हुआ तब भी दैनिक अग्रदूत और डेका जी ने पत्रकारीय मूल्यों से समझौता नहीं किया। मीनवाइल, चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा आल्सो एड्रेस द इवेंट ऑन द ओकेजन। टेक अ लुक। कनक सेन डेका डांगरिया निभास देश प्रेमिक साम्यवादी चिंताधार अक्लांत सांबादिक आपोषविहीन सांबादिकता तेखेतर धर्म। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब असम में अल्फा का एजिटेशन हुआ था, सारे हमारा असम का इंटेलेक्चुअल एक प्रकार मुक बन करके रखा था, या तो परोक्ष रूप से कोई सारे लोग अल्फा का समर्थन किया था। सारे डिसएडवांटेज सिक्योरिटी थ्रेट को भी ना करते हुए कनक सेन डेका जी ने अल्फा का इंडिपेंडेंट असम कॉन्सेप्ट का खिलाफ एक बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट असम में निर्माण किया था। उनके लिए उन्होंने कोई सारा पर्सनल सेक्रीफाइस करना पड़ा। हमारा जो एक राष्ट्रवाद का धारा कनक सेन डेका जी ने असम का नौजवान को दिया था और आज यही हम मंत्र मान के आगे चल रहा हूं।